वेलकम टू कैप्टन एजेंट फ्रेंड्स। नमस्कार यारो, वेलकम टू कैप्टन एग्रो। गाइस, आज का हमारा जो लेक्चर है मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप सब एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के लिए। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे राजस्थान की मंडियां। हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, हम बात करेंगे राजस्थान की मंडियों के बारे में कि कहाँ कहाँ पर कौन सी मंडी है। यहाँ से बहुत सारे एग्जाम्स में अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक तरीके से जनरल नॉलेज के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज का वीडियो लेक्चर हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो फटाफट से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आज का हमारा हेडिंग है, मेरा नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, माय नेम इज लव प्रकाश गोमे, याद रखना। आज हम बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख मंडियां। क्या बात करेंगे? राजस्थान की प्रमुख मंडियां। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जनरल नॉलेज के लिए और एग्रीकल्चर के सभी एग्जाम्स के लिए। एक तरफ हम लिखेंगे मंडी और एक तरफ लिखेंगे क्षेत्र। क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखूंगा मैं मंडी, मतलब मंडी का नाम, और यहाँ पर लिखूंगा मैं क्षेत्र। आप भी साथ में टेबल बनाते हुए चले। सबसे पहली मंडी आती है हमारे पास जीरा मंडी। किसकी मंडी? जीरा मंडी, जीरा जीरा मंडी। और जीरा मंडी कहाँ पर लगती है? मेड़ता सिटी। मेड़ता सिटी में कहाँ पर लगती है? मेड़ता सिटी में लगती है। और मेड़ता सिटी किस जिले के अंदर आती है? तो आपको याद रखना है नागौर जिले के अंदर आती है। प्यारे बच्चों, किसके अंदर आती है? नागौर जिले के अंदर आती है, नागौर। अगली मंडी आती है हमारे पास संतरा मंडी। और संतरा मंडी कहाँ पर लगती है राजस्थान के अंदर? संतरा मंडी। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे नॉर्मली याद हो जाएगा। कैसे? आपको तो पता होगा कि राजस्थान में संतरा सबसे ज्यादा कहाँ पे होते हैं? झालावाड़ के अंदर। पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा संतरों का जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पे होता है? झालावाड़ के अंदर होता है। बात करें हम पूरे इंडिया के अंदर तो महाराष्ट्र नागपुर में होता है और झालावाड़ को छोटा नागपुर भी बोला जाता है। तो झालावाड़ में एक जगह है भवानी मंडी। क्या नाम है? भवानी मंडी। और वहीं पर लगती है आपके संतरा की मंडी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम भवानी मंडी। क्या लिखेंगे बच्चों? भवानी मंडी लिखेंगे और ब्रैकेट में जिले का नाम लिखेंगे झालावाड़। झालावाड़, एक डायलॉग सुना होगा आपने यहाँ का, यार जिंदगी झालावाड़ हो गई। लेकिन अब झालावाड़ नहीं, झालावाड़ अब चमक रहा है संतरों की वजह से, काफी ज्यादा डेवलपमेंट वहां पे हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किन्नू व माल्टा मंडी। किसकी बात करेंगे? थर्ड नंबर पे किन्नू व माल्टा मंडी। अब यहां से एक और आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, किन्नू का वो माल्टा का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन राजस्थान में कहां पे होता है? नागपुर, ये झालावाड़ में नहीं, ठीक है। कहां पे होता है? गंगानगर में होता है। कहां पर होता है? गंगानगर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगानगर में लगती है किन्नू और माल्टा की मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास प्याज की मंडी। किसकी मंडी? प्याज, अनियन, एलियम सेपा, प्याज। और प्यारे बच्चों, प्याज की जो मंडी लगती है वो लगती है अलवर में। किस में लगती है? अलवर में लगती है। नेक्स्ट मंडी आती है हमारे पास यहाँ पे अमरूद मंडी। अमरूद मंडी, और अमरूद होते हैं राजस्थान के अंदर सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में। किस में होते हैं? सवाई माधोपुर। तो अमरूद की मंडी भी कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है। कहाँ पे प्यारे बच्चों? सवाई माधोपुर के अंदर अमरूद की मंडी आती है। अगली मंडी आती है हमारे पास 6 नंबर पे इसबगोल मंडी। इसबगोल मंडी, और इसबगोल मंडी लगती है भीनमाल में। कहाँ पे लगती है? भीनमाल। और भीनमाल किस जिले में आता है? जालौर में। कहाँ पे आता है प्यारे बच्चों? जालौर में आता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीनमाल, जालौर। अगली मंडी आती है हमारे पास मूंगफली मंडी, ग्राउंड नट अरेकिस आइफोजिया। मूंगफली, मूंगफली मंडी, और मूंगफली की मंडी कहाँ पे लगती है? आपके बीकानेर में लगती है। कहाँ पे लगती है? बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में लगती है, बीकानेर। अगली मंडी आती है हमारे पास धनिया मंडी। और धनिया मंडी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कई बार, धनिया मंडी। और धनिया मंडी लगती है कहाँ पे? रामगंज मंडी, रामगंज मंडी। और रामगंज कहाँ पे आता है? कोटा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, एजुकेशनल सिटी के अंदर आता है, जहाँ से वीडियो भी पब्लिश हो रहा है, कोटा। तो धनिया मंडी कहां पे लगती है? रामगंज,
रामगंज में, कहाँ पे लगती है? रामगंज में। और रामगंज किस में आता है? एजुकेशनल सिटी, शिक्षा नगरी कोटा के अंदर आता है रामगंज। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पे फूल मंडी। फूल मंडी कहाँ पे लगती है? फूल, फ्लावर, 9 नंबर है फूल मंडी। और फूल मंडी लगती है, फूल मंडी लगती है अजमेर में। कहाँ पे लगती है? अजमेर में। तो आपको याद रखना है फूल मंडी अजमेर और धनिया मंडी रामगंज। नेक्स्ट हम बात करते हैं इधर की साइड, क्योंकि आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा ज़्यादा। 10 नंबर डाल के अगली जो मंडी आती है हमारे पास वो आती है मेहंदी, मेहंदी मंडी, मेहंदी मंडी, मेहंदी मंडी। और मेहंदी मंडी जो लगती है कहाँ पर लगती है? सोजत। सोजत किसके अंदर आता है? किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है? पाली के अंदर आता है प्यारे बच्चों, सोजत में लगती है सोजत। और सोजत आता है पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये यहाँ पे हम क्षेत्र लिख रहे हैं और यहाँ पे मंडी का नाम लिख रहे हैं। अगली मंडी आती है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लहसुन मंडी। कौन सी मंडी आती है? लहसुन, लहसुन मंडी, लहसुन गार्लिक एलियम सेटाइवम। और ये फटाफट से लोगों को अमीर भी बना देता है, मतलब करोड़पति भी बना देता है और रोडपति भी बना देता है, क्योंकि इसका भाव अप डाउन चलता रहता है। तो लहसुन की जो मंडी है राजस्थान के अंदर छीपा बड़ोद के अंदर है। कहाँ पे प्यारे बच्चों? छीपा बड़ोद। और छीपा बड़ोद किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? बारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। कहाँ पे आता है? बारा, बारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह नहीं, ठीक है, बारह। यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है जो राजस्थान के अंदर आती है हाड़ौती क्षेत्र में, जैसे चार डिस्ट्रिक्ट कोटा, बूंदी, बारह, झालावाड़, आपने नाम तो सुना होगा। अगला आता है हमारे पास अगली मंडी 12 नंबर पे लहसुन के बाद में, अश्वगंधा मंडी। अश्वगंधा, अश्वगंधा मंडी। और ये लगती है झालरापाटन। और झालरापाटन कहाँ आता है? जैसे झालरापाटन, जैसे झालावाड़, याद रखना झालरापाटन, झालरा पाटन। और झालरा पाटन किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? झालावाड़ में आता है प्यारे बच्चों। किस में आता है? झालावाड़ में आता है। वीडियो को लाइक करते हुए चले और अधिक से अधिक शेयर करते हुए चले। अगला जो हमारे पास पॉइंट आता है 30 नंबर पे, 30 नंबर की मंडी आती है टमाटर मंडी। कौन सी मंडी? टमाटर, टमाटर मंडी। और प्यारे बच्चों टमाटर की मंडी लगती है बस्सी। कहाँ पे लगती है? बस्सी में लगती है। और बस्सी कहाँ आता है? जयपुर में आता है। कहाँ पे आता है? जयपुर, गुलाबी नगरी, गुलाबी शहर, जयपुर। अगली मंडी आती है हमारे पास 40 नंबर पर मिर्च मंडी। कौन सी मंडी? मिर्च की मंडी। और मिर्च मंडी लगती है टोंक में। कहाँ पे लगती है? टोंक, टोंक। फिफ्टीन जो आती है हमारे पास 15 नंबर पे मटर मंडी। कौन सी आती है? मटर मंडी, मटर मंडी। और मटर मंडी लगती है बसेड़ी। कहाँ पे लगती है? बसेड़ी में। और बसेड़ी किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? जयपुर में। बसेड़ी, और बसेड़ी आता है जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अगली मंडी आती है हमारे पास 16 नंबर पर टिंडा मंडी। टिंडा, टिंडा मंडी। टिंडे की सब्जी आप लोगों ने खाई होगी, टिंग सा, जिसको हम एक तरीके से देसी लैंग्वेज में बोलते हैं। और टिंडे की मंडी लगती है शाहपुरा, शाहपुरा। और शाहपुरा कहाँ आता है? जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट मंडी आती है हमारे पास 17 नंबर पे आंवला मंडी। और आंवला मंडी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आंवला मंडी में बात कर रहा हूँ यहाँ पे राजस्थान की, ठीक है। तो आंवला मंडी आती है चोमू। और चोमू कहाँ पे आता है? चोमू आता है जयपुर में। आपने चोमू नाम सुना होगा जयपुर के अंदर, तो जयपुर में लगती है आंवला मंडी। और अब आती है हमारे पास सबसे पॉपुलर पूरे एशिया की मंडी, वो है भामाशाह मंडी। क्या नाम है? भामाशाह मंडी, 18 नंबर पर भामाशाह मंडी। और ये कहाँ पे है? कोटा के अंदर। कहाँ पे है? कोटा के अंदर। अब जैसे आप देखोगे इन मंडियों में, जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे जीरा मंडी, तो जीरा कहाँ बिकता है? मेड़ता सिटी में। जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे किन्नू माल्टा, किन्नू माल्टा कहाँ बिकता है? गंगानगर में। लेकिन आप जब 18 नंबर पे गौर करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है भामाशाह मंडी। मतलब क्या बिकता है इसके अंदर? तो ये पूछो कि क्या नहीं बिकता है इसके अंदर? दोस्तों इसके अंदर सब कुछ बिकता है, जितने भी ऑल ओवर जो मेजर क्रॉप्स है सारी की सारी। आजकल तो इस मंडी में लहसुन भी बिकने लगा है, ठीक है, राजस्थान के अंदर। तो एक तरीके से भामाशाह मंडी एशिया की सबसे पॉपुलर और बड़ी मंडी है पूरे
ऐसे की बात करें हम तो एक तरीके से पॉपुलर मंडी है, कोटा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और सभी जिंसों को यहाँ पर खरीदा जाता है। आई होप दोस्तों आप लोगों को सारी की सारी मंडियों का ज्ञान अच्छे से हो गया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में आप जय जवान जय किसान जरूर लिखें और आप कमेंट करते रहे कि नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए। जैसे आप मुझे टॉपिक कमेंट करोगे बार बार, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा उस टॉपिक के ऊपर। तो गाइज हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान जय किसान, और यारों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दो। जय हिंद।